जय हिंद दोस्तों, 1 अप्रैल 2023 से भारत ने नई विदेश व्यापार नीति लागू कर दी है। किसी भी देश की इकोनॉमी में फॉरेन ट्रेड पॉलिसी एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। चाहे भारत को ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब बनना हो, रुपए को इंटरनेशनल ट्रेड में इस्तेमाल करना हो, देश की अर्थव्यवस्था को $5 ट्रिलियन तक लेकर के जाना हो, और चाहे 2047 तक देश को डेवलप्ड कंट्री बनाना हो, ये सभी चीजें कहीं ना कहीं डिपेंड करती है एक मजबूत फॉरेन ट्रेड पॉलिसी पर। देखिए, दुनिया में ऐसा कोई देश नहीं है जो सभी चीजों को पैदा करता हो। अगर अमेरिका आज दुनिया में सुपर पावर है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो सभी चीजें खुद पैदा करता है। बहुत सारी चीजें वह दुनिया से ही इंपोर्ट करता है। धरती पर 200 से ज्यादा देश हैं और हर जगह का क्लाइमेट, एनवायरमेंट, जमीन, मिट्टी, टोपोग्राफी सब अलग अलग होती है। कहीं एग्रीकल्चर ज्यादा है तो कहीं इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ज्यादा होता है। ऐसे में हर देश अपनी जरूरतों को पूरी करने के लिए दूसरे देश के साथ सामानों को खरीदते और बेचते हैं, जिन्हें आसान भाषा में कहते हैं इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट, और इसी को विदेश व्यापार कहा जाता है। भारत अपनी विदेश नीति को 5 साल में एक बार लेकर आता है। इससे पहले यह 2015 में आई थी, उसके बाद 2020 में आनी चाहिए थी, लेकिन उस टाइम कोरोना की वजह से पुरानी विदेश नीति को ही एक्सटेंड किया गया था। और अब भारत को अपनी फॉरेन ट्रेड पॉलिसी लाना जरूरी हो गया था, क्योंकि दुनिया में काफी उथल-पुथल चल रही है। पहले तो कोरोना की वजह से दुनिया संकट में पड़ी हुई थी, उसके बाद रशिया यूक्रेन युद्ध की वजह से जियोपॉलिटिक्स और ग्लोबल सप्लाई चेन में काफी चेंजेस देखने को मिल रहे हैं। दुनिया भर की इकोनॉमी में रिसेशन के हालत बन रहे हैं। हालांकि ऐसा नहीं है कि भारत ने 2020 के बाद इन 3 सालों में फॉरेन ट्रेड पॉलिसी में कोई परिवर्तन नहीं किए। समय समय पर जो भी सुधार किए जा सकते थे वो सुधार किए गए, लेकिन इस बार जो पॉलिसी लाई गई है उसमें एक बहुत बड़ा चेंजेस तो देखो ये किया गया है कि इसे एक फिक्स टाइम के लिए नहीं लाया गया है, यानी ये 5 साल बाद पूरी नहीं होगी, बल्कि जरूरत के हिसाब से ही इसमें चेंजेस किए जाते रहेंगे। तो चलिए सबसे पहले तो ये जानते हैं कि नई फॉरेन ट्रेड पॉलिसी में क्या है। देखो, सबसे पहले तो हमें ये समझना होगा कि फॉरेन ट्रेड कितने प्रकार के होते हैं। ये 3 प्रकार के होते हैं। पहला आयात, यानी दूसरे देशों से जब हम सामान खरीदते हैं, और दूसरा होता है निर्यात, यानी कि हम अपने देश से दूसरे देश को सामान बेच रहे हैं, और तीसरा होता है पुनर्निर्यात, जिसे एंट्री पोर्ट भी कहते हैं, यानी हमने कोई सामान दूसरे देश से खरीदा और आयात करने के बाद फिर से उसको पैकेज करके किसी तीसरे देश को एक्सपोर्ट कर दिया। अब ये जो तीसरे प्रकार का ट्रेड है ना, उसमें एक नया कॉन्सेप्ट और जोड़ दिया गया है। पहले क्या होता था कि अगर किसी दूसरे देश को सामान खरीद कर किसी तीसरे देश में बेचना है तो उसे पहले इंडिया में लाना पड़ता था, लेकिन अब इस नए ट्रेड पॉलिसी में इस झंझट को हटा दिया गया है, यानी कि अब वो दूसरे देश से ही सामान खरीद कर डायरेक्ट ही उसे थर्ड कंट्री को बेच सकता है, उसे अब देश में लाने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। दूसरा पॉइंट है कि सरकार ने भारत के एक्सपोर्ट को बढ़ाने पर जोर दिया है। देखिए, देश में ऐसी बहुत सारी स्कीम चल रही हैं जिनमें डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्शन को बढ़ावा दिया जा रहा है। आत्मनिर्भर भारत पर गवर्नमेंट पूरा फोकस कर रही है और इन सभी स्कीम्स का डोमेस्टिक प्रोडक्शन पर काफी अच्छा प्रभाव पड़ा भी है। लेकिन दोस्तों, हम चाहे कितने भी आत्मनिर्भर भारत की बात कर लें, हमें अपनी जरूरतों को पूरी करने के लिए दूसरे देशों से बहुत सारा सामान इंपोर्ट करना ही पड़ रहा है। हमारा ट्रेड डेफिसिट बढ़ता ही जा रहा है। 2021-22 के आंकड़ों को देख लीजिए। अगर हम अमेरिका, चाइना, जर्मनी, जापान, रशिया और यूके की बात करें तो केवल अमेरिका और यूके के साथ ही भारत का ट्रेड सरप्लस में रहा है। वहीं चाइना, जर्मनी, जापान और रशिया के साथ भारत का ट्रेड डेफिसिट बढ़ ही रहा है। दोस्तों, ट्रेड सरप्लस का मतलब होता है कि हम उनसे व्यापार करके फायदे में रहते हैं। वहीं ट्रेड डेफिसिट का मतलब हुआ कि हम वहां पर नुकसान में हैं, यानी सामान बेच कम रहे हैं और खरीद ज्यादा रहे हैं। सबसे ज्यादा ट्रेड डेफिसिट हमें चाइना के साथ हो रहा है। अब देखिए, इसका मतलब ये नहीं है कि हम उनके साथ व्यापार करना ही बंद कर दें। किसी भी देश की इकोनॉमी को चलाने के लिए हमें दूसरे देशों से सामान खरीदने की जरूरत पड़ती है, क्योंकि हर चीज को हम पैदा नहीं कर सकते। इसके बजाय हमें भी दूसरे देशों के साथ एक्सपोर्ट को बढ़ाना होगा। अब इसके लिए हमें अपने मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्शन को बढ़ाना होगा, और इस नई ट्रेड पॉलिसी में इसी पर फोकस किया गया है। नई पॉलिसी में कहा गया है कि 2030 तक भारत के टोटल एक्सपोर्ट को $2 ट्रिलियन तक पहुंचाया जाए। अभी फिलहाल की बात करें तो 2022-23 में ही भारत ने इतिहास में पहली बार $760 बिलियन का एक्सपोर्ट किया है। इसको पुरानी पॉलिसी से कंपेयर करें तो 2015-16 में भारत ने $435 बिलियन का ही एक्सपोर्ट किया था, यानी इसमें हमें ग्रोथ तो देखने को मिल रही है। तीसरा पॉइंट है कि इस ट्रेड पॉलिसी में 4 नए टाउन्स ऑफ एक्सपोर्ट एक्सीलेंस जोड़े गए हैं। अब देखिए, हमारे देश में 39 टाउन ऑफ एक्सपोर्ट एक्सीलेंस है, लेकिन अब इसमें फरीदाबाद,
मुरादाबाद, मिर्जापुर और वाराणसी और जोड़ दिए गए हैं। दोस्तों, जब भी कोई जगह टाउन ऑफ एक्सीलेंस के रूप में अनाउंस होती है तो उसको ग्लोबली रिकॉग्निशन मिलता है। उस पूरे एरिया में मार्केट डेवलप होती है, स्किल्ड लेबर अवेलेबल होती है, वहाँ की इंडस्ट्री के लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर रिक्वायर्ड होता है वो डेवलप होता है, वहाँ के लोकल प्रोडक्ट्स को इंटरनेशनली मार्केट के हिसाब से तैयार किया जाता है, सरकार उनको फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करवाती है, उनको कॉमन सर्विस प्रोवाइडर ऑफर किया जाता है, यानी कि कुल मिलाकर कहा जाए तो सरकार की ओर से काफी सारी सुविधाएं वहाँ पर दी जाती है। इसके अलावा सरकार की एक और स्कीम है वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट। देखिए, आज देश में लगभग 750 जिले हैं और ये तो आप भी जानते हैं कि हर जिले की एक स्पेशल प्रोडक्ट होती है। जैसे कि आप राजस्थान का ही देख लीजिए, जहां जयपुर ज्वेलरी और क्लोथ्स के लिए, जोधपुर फर्नीचर एंड हैंडीक्राफ्ट्स के लिए, कोटा अपने कोटा स्टोन के लिए, भीलवाड़ा अपनी टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए फेमस है। तो अगर देश के सभी जिलों में सही तरीके से एफर्ट लगाया जाए तो वहां के लोकल प्रोडक्ट्स को ग्लोबल लेवल पर एक्सपोर्ट किया जा सकता है। और अगर सभी 750 जिले भारत में ऐसा कर लें तो हम 750 स्पेशल चीजें एक्सपोर्ट कर पाएंगे। तो इसके लिए इस नई फॉरेन ट्रेड पॉलिसी में कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम का प्रावधान है, जो बहुत ही अच्छी स्कीम है। चौथा पॉइंट है कि इस पॉलिसी में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पर फोकस किया गया है। देखिए, आज के समय इंडिया में सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि जो भी कोई नया बिजनेस करना चाहता है उसे काफी पेपर वर्क करना पड़ता है। तो सरकार का फोकस है कि इसमें पेपरलेस रेगुलेशन लाया जाए, यानी सब कुछ डिजिटल सिस्टम होगा और आपने जैसे ही कोई ऑनलाइन अप्लाई किया तो वो ऑटोमेटिक ही अप्रूवल हो जाएगा। यानी वह सिस्टम नहीं रहेगा कि जब आप बहुत सारा टाइम दे भी रहे हो, पेपर वर्क भी कर रहे हो, लेकिन उसके बाद भी आपका कोई काम नहीं हो पाता है। इसके अलावा अभी मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स में एक्सपोर्ट करने वालों को एक स्टार हाउस रेटिंग दी जाती है, यानी कि एक्सपोर्ट करने वाले कौन सी कैटेगरी में आते हैं उसके हिसाब से उनको 5 स्टार, 4 स्टार और 3 स्टार की रेटिंग दी जाती है। अब जैसे पहले टारगेट ये था कि जो 2000 करोड़ से ऊपर का बिजनेस करेगा उसको 5 स्टार रेटिंग दी जाएगी, लेकिन अब इस नई पॉलिसी में उसको 800 करोड़ ही कर दिया गया है। तो इससे अब जो भी 3 स्टार वाले होंगे वो 4 स्टार में कन्वर्ट हो जाएंगे और जो 4 स्टार वाले होंगे वो 5 स्टार में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो ज्यादा रेटिंग से उनको ज्यादा बेनिफिट मिलेंगे, उनको लोन वगैरह आसानी से मिल सकेगा। दोस्तों, पांचवा पॉइंट है वो सबसे बड़ा है। दरअसल इसमें कहा गया है कि अब इंटरनेशनल ट्रेड में रुपए को भी बढ़ावा दिया जाएगा। और आप पिछले काफी समय से ये देख भी रहे होंगे, खासकर जब से रशिया और यूक्रेन की वॉर शुरू हुई है तब से डॉलर के डी डॉलराइजेशन की शुरुआत हो चुकी है। रुपए में ट्रेड करने के लिए भारत सरकार और RBI ने एक सिस्टम शुरू किया है, वोस्ट्रो और नोस्ट्रो अकाउंट सिस्टम। अब ये काम कैसे करेगा? मान लीजिए हमने यूरोप के किसी देश से कार खरीदी, अब उस कार की पेमेंट लेने के लिए उस देश को भारत में अपना अकाउंट खुलवाना होगा जिसमें उसे रुपए में पेमेंट मिलेगा, जिसे वोस्ट्रो अकाउंट कहा जाता है। अब मान लीजिए कि यूरोप के उस देश ने हमसे कपड़े खरीदे, तो अब वह उन कपड़ों की पेमेंट उन्हीं रुपयों से कर देगा जो उसने कार बेच करके कमाए हैं। ऐसे ही हमें भी उनकी लोकल करेंसी में ट्रेड करने के लिए वहां पर अकाउंट खुलवाना होता है, जिसे कहते हैं नोस्ट्रो अकाउंट। अब तक 19 देशों ने भारत के ट्रेड मैकेनिज्म में विश्वास जताया है और अलग अलग बैंकों ने लगभग 50 वोस्ट्रो अकाउंट खोल भी दिए हैं। दोस्तों, रुपए में ट्रेड होने का सबसे बड़ा फायदा छोटे एक्सपोर्टर्स को मिलेगा। दरअसल जब वो विदेश में एक्सपोर्ट करते हैं तो उनके लिए डॉलर को एक्सचेंज करवाने का झंझट रहता है, साथ ही रिस्क भी बना रहता है क्योंकि एक्सचेंज रेट में उतार और चढ़ाव आते रहते हैं। और दोस्तों, ये प्रॉब्लम तो अभी भी खैर बनी हुई है। एक्सपोर्टर्स को फॉरेन कंट्रीज से पैसा मिलने में काफी परेशानी आती है। उनका पैसा अगर कुछ समय के लिए भी फंस या अटक जाता है या लॉक हो जाता है तो उनके व्यापार पर काफी इम्पैक्ट पड़ता है। तो इस पर अभी और काम करने की जरूरत है। अगर UPI जैसा सिस्टम इसमें शुरू किया जाए तो बहुत ही जबरदस्त इसमें सक्सेस मिल सकती है, क्योंकि आपने देखा होगा कि UPI काफी तेजी से भारत में सक्सेस हुआ है लेकिन बाहर देशों के साथ नहीं जुड़ पाया है। लेकिन कोशिश चल रही है और सिंगापुर के साथ हमने समझौता भी कर लिया है, लेकिन अगर ये सिस्टम और भी कंट्रीज के साथ हम कनेक्टेड करने में कामयाब हो जाते हैं तो यहाँ पर एक्सपोर्टर्स को बहुत ही बड़ा बेनिफिट मिल सकता है। इस नई ट्रेड पॉलिसी में और भी कई सेक्टर हैं जिनको काफी बेनिफिट होने वाला है, जैसे PM मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन, डेयरी सेक्टर, इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स बैटरी, वर्टिकल फार्मिंग इक्विपमेंट, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट और रिसाइकलिंग, ग्रीन हाइड्रोजन, ग्रीन टेक्नोलॉजी, इन सभी क्षेत्रों में इस नई नीति का फायदा मिलने वाला है। दोस्तों, अब चैलेंजेस की बात करें तो एक तो सबसे बड़ी चुनौती देखिए ये है कि अभी जो ग्रोथ हो रही है ना वो सर्विसेज एक्सपोर्ट में ही हो रही है। देश की IT इंडस्ट्री तो बढ़िया एक्सपोर्ट कर रही है लेकिन मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट अभी भी काफी पीछे चल रही है। तो इसके लिए मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बढ़ाना होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर, लॉजिस्टिक सिस्टम, मैन्युफैक्चरिंग एनवायरमेंट, इंडस्ट्रियल पॉलिसी, तो ये सभी चीजें एक्सपोर्ट को प्रभावित करती हैं। अगर इनमें और सुधार कर लिया जाएगा तो वो दिन दूर नहीं जब हमें 2030 तक $2 trillion भी एक्सपोर्ट कर पाएंगे।
आएंगे। दोस्तों, इस नई ट्रेड पॉलिसी के बारे में आपके क्या विचार हैं, यह हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वहीं अगर वीडियो अच्छी लगी तो उसे लाइक और शेयर जरूर करें। वहीं ऐसे और इंटरेस्टिंग टॉपिक्स और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।